हूं यूसुफ अंसारी और इस वक्त मैं मौजूद हूं कांग्रेस मुख्यालय 24 अक्टूबर रोड पर। यहां पर जश्न का माहौल है कांग्रेस के लिए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे बहुत ही अच्छी खबर लेकर आए हैं। और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी जी। प्रियंका जी, एक खुशी मैं सही मायने में मानती हूँ, पार्टी के साथ साथ आज देश के लिए खुशी का माहौल है कि सही तरीके से सच्चाई और अच्छाई के दिन देश में वापस आए हैं। तो ऐसे लोग जिन्होंने जुमले और झूठे वादे देकर और झूठी नीयत और झूठी मंशा से देश का विश्वास जीता हो, आज उनको सबक सिखाने का काम इन राज्यों ने किया है और राज्य की जनता ने। क्या मुद्दे इसको आप मोदी सरकार के खिलाफ राजनीति मानती हैं, मतलब मानती हैं, या राहुल गांधी के पक्ष में माहौल बनाए? ये पक्ष देश की तरफ का है, ये पक्ष उनके लिए है जिन्होंने सच्चाई की लड़ाई पे अडिग रहे, जो देश की जनता की आवाज़ और आवाम की आवाज़ बुलंद करते रहे। वो एकमात्र राहुल गांधी जी थे जिन्होंने इतने व्यक्तिगत हमले होने के बावजूद एक पूरी मशीनरी जो राहुल गांधी जी के खिलाफ काम करने के लिए कार्यरत की थी भारतीय जनता पार्टी ने, उन सबको मात देकर जनता का विश्वास जीता है। वो सही मायने में प्रजातंत्र की जीत है। लेकिन मिजोरम में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, तेलंगाना में अच्छा नहीं कर पाया। देखिए, कहीं हो सकता है हमसे कहीं कमियां हुई हैं, पर जब तक ये चुनावी नतीजे पूरे पूरे नहीं आते हैं मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, या मैं क्या कारण हो सकते हैं उस पर टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि कहाँ हमसे गड़बड़ियाँ हुई हैं, कैसे हम उनके विश्वास को नहीं जीत पाए हैं, वो तो बाद में जब आंकलन करेंगे। आज जो नतीजे आए हैं इनका लोकसभा के चुनाव पर क्या असर? बहुत अच्छा असर पड़ेगा, बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा, क्योंकि अब सच्चाई और अच्छाई के दिन इन राज्यों में आए हैं, अब देश में आना बाकी है, उसकी शुरुआत इन राज्यों में। इतना कॉन्क्रीट आप कांग्रेस का लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे? देखिए, राहुल गांधी जी ने बार बार कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता हर नेता प्रतिबद्ध है कि अपने नेता को इस्तेमाल की सोने वाली ने कांग्रेस पार्टी का किसी साजिश पार्टी साजिश की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी जी का एक ही कहना है, सबसे बड़ी देश की जिम्मेदारी है कि आज देश की जनता अपने आप को हक महसूस कर रही है, उस जनता इस सरकार को निकालने की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी जी ने सारे कार्यकर्ताओं को यही कहा है, यही विश्वास जताया है। तो अभी जो हमारी लड़ाई ये है कि ऐसी राजनीतिक दल जिन्होंने हर प्रजातंत्र के साथ विश्वासघात किया हो और प्रजातंत्र के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, संवैधानिक पोजीशंस हैं, उनको ध्वस्त करने का काम किया हो, उनको हराना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। हमसे बात करने के लिए कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि इन चुनावी नतीजों का असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा और राहुल गांधी एक मजबूत नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। शुक्रिया।